बड़वानी प्राइवेट लैबों में जांच कराकर पॉजिटिव आए लोगों को जिले की पॉजिटिव सूची में शामिल करने का सिलसिला लगातार जारी। आज 29 और लोगों को जिले की पॉजिटिव लिस्ट में शामिल किया गया। जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव की संख्या को 56 माना गया है। कल रात में जहां 27 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं 29 नए लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यह 29 लोग वह है जो प्राइवेट लैब की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए थे। इससे पहले भी 31 जुलाई को प्राइवेट लैबों में शामिल आए 29 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया था। यानी कि दो मर्तबा प्राइवेट लैबों में जांच कराए 29 लोगों को पॉजिटिव की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 756 हो चुका है। वहीं 398 लोगों का उपचार बड़वानी सेंधवा इंदौर में चल रहा है और 351 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों को पॉजिटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, यह लोग किन जगहों के हैं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बड़वानी अब शहरों के साथ गांवों में भी तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। पार्टी में आज 3 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि के बाद प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो गई। इन 3 में से 2 लोगों को इंदौर और 1 व्यक्ति को बड़वानी उपचार हेतु भेजा गया है। पॉजिटिव पाए गए लोग एक सराफा व्यवसायी के परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसमें 17 वर्षीय युवक और 62 वर्षीय उसकी माँ, साथ ही इस परिवार में काम करने वाला एक 52 वर्षीय बुजुर्ग भी पॉजिटिव आया है। वहीं 29 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। पार्टी वह स्थान है जहां 31 जुलाई को ही कोरोना ने दस्तक दी थी और अब यहां और मरीज पाए जाना यह बताता है कि संक्रमण यहां पर तेजी से पैर पसार रहा है। पार्टी में आज 3 लोगों की और जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, तो 3 को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 2 को इंदौर रेफर किया है और 1 को बड़वानी भेजा गया है। होम क्वारंटाइन 29 लोगों को किया है। ट्रैवल हिस्ट्री यही है जो फर्स्ट बार जो 46 ईयर्स के पॉजिटिव आए थे पार्टी में, ये सब उन्हीं के संपर्क में थे, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव आया है। ये जो है इनका घर जो है वो क्वारंटाइन कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है और इनका जितने भी 29 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन किया है उनकी लगातार निगरानी रहेगी और समय समय पर उनकी जांच होती रहेगी।